हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये कान्हा जी की पोशाक, 3 नंबर के कान्हा जी की पोशाक की ये टोपी मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। ये टोपी मैं, ये जो आप देख रही हैं ये 4 प्लाई से बना हुआ है, और ये जो मुकुट नुमा है ये मैं 6 प्लाई से बनाई हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। हम इस तरह से ऊन को लपेट लेंगे। लपेटने के बाद 1 2 3 तीन चैन ले लिए। अब हम इसमें 15 बार, देखिए इस तरह से, ये 1 ये 1 हुआ, 15 बार इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा 15 बार इसे हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए। अब ये जो धागा देख रही हैं आप, इसे हम इस तरह से जोर से खींच देंगे, इस तरह से, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसे दोनों को आपस में जोड़ देना है। इस तरह से हम आपस में जोड़ दिए। ठीक है, अब जोड़ देने के बाद में हम 2 राउंड डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले पहला राउंड कंप्लीट करते हैं। इसमें प्रत्येक चैन में 1 ही डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। अब हम इसे फिर से यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। क्योंकि ये हमारे बहुत छोटे कान्हा जी हैं, 3 नंबर के कान्हा जी की टोपी है, इसलिए हम इसमें 2 राउंड देंगे। ये 1 राउंड कंप्लीट हुआ है, दूसरा भी देंगे। अगर आपको लगता है कि ये और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए या इसमें घेरा ज़्यादा होना चाहिए, तो आप वो अपने अनुसार ले सकती हैं। अब हम इसमें 2रा राउंड कंप्लीट करते हैं।
ये हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ ऊन कट कर देंगे। ये देखिए, ये फैलने का भी है, फैल भी सकता है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा फैल रहा है तो आप यहाँ एक स्टिच दे करके और इसे आप कम भी कर सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही रहेगा 3 नंबर के कान्हा जी के लिए। ठीक है, तो आइए इसकी हम अब पगड़ी देखते हैं। पगड़ी यानी कि ये मुकुट देखते हैं कि ये कैसे बनता है। ये मैं 4 प्लाई ऊन से बना रही हूँ और ये जो चीज़ है ये मैं 6 प्लाई ऊन से बनाऊँगी। ठीक है, ये हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं। एक हुआ, अब 1 2 3, तीन के बाद इसमें हम इस तरह से हुक डालकर और दोनों को एक साथ निकाल लेंगे और फिर दूसरा बार फिर करेंगे। इस तरह हम लोग 4 बार करेंगे। मैं आपको इस कलर में बता रही हूँ ताकि साफ साफ नज़र आए। इस तरह से हम 2 बना लिए और 2 हमें बनाना है। ये हम 4 कंप्लीट किए। अब इसे हम इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसे पलट लेंगे अपनी ओर। पलटने के बाद फिर हम 2 चैन बनाएंगे, 2, और इसे ऊपर की ओर से देखिए, इस तरह से ऊपर की ओर से हम इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, बनाते हुए हम फिर 3 चैन लेंगे। ये डबल क्रोशिया किए, अब हम 3 चैन लेंगे। इसके बाद इस जगह पर से हुक को डालकर और एक साथ दोनों घर को हम गिरा देंगे। ठीक है, इसी तरह हम अगला में भी करेंगे। इसमें हमारा 4 बार करना है हमें। इस तरह से हमारा दूसरा राउंड भी कंप्लीट हुआ। अब हमें एक राउंड और बनाना है। देखिए, इसमें है 1 2 और 3, 3 राउंड है, हमें एक और बनाना है। ये हम 4 बनाए, 4 फूल, और दूसरा राउंड में भी 4 फूल बनाए, लेकिन तीसरे में हम 6 फूल बनाएंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से बनता है।
जब हम तीसरे राउंड में आएंगे तो हमें इस तरह से निकाल कर और ऐसे और फिर एक दो तीन और तीनों को ये दोनों में हुक डालकर और इस तरह से बंद कर देंगे और फिर दूसरी बार में हम उसी स्थान से निकालेंगे। देखिए उसी जगह से हम दूसरे बार में भी लेंगे और एक दो तीन और ये डालते हुए ये इस तरह बंद कर देंगे। ठीक है, तीसरा चौथा, अब हम तीसरा बना रहे हैं। अब देखिए अब हम पांचवा इस जगह से निकालेंगे, इस जगह से। अब हम ऊन को कट कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह का बनकर तैयार हो गया। अब हम अपने टोपी में ये धागा सुई में पिरो करके और यहाँ पर हम इसे यूँ इस तरह से टाक देंगे। ठीक है, सुई धागा की मदद से। तो ये आपका टोपी बनकर तैयार हो गया। ये धागा टाकने के बाद में धागा को कट करके हटा देना है या अंदर की ओर डाल देना है। इस तरह का हो गया। अब आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी सो बटन है या कुछ भी आप दे सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं कि ये किनारे में आप और अच्छा मने वाइट कलर से आप एक लाइन चला सकती हैं। ठीक है, तो आपको ये टोपी कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।